हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सबको मेरी तरफ से। कैसे आप लोग? आप लोगों की दुआ में बहुत ही बढ़िया हूँ। मैं सबको मेरी एक नए यूट्यूब ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम आतिकुर रहमान और आप लोग देख रहे हो एक केयर ब्लॉग। तो आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ जिम कॉर्बेट की सफारी को लेकर। एक्चुअली सफारी होता क्या है, कहाँ से कैसे होता है, ऑनलाइन बुकिंग बेस्ट है या ऑफलाइन बुकिंग बेस्ट है, कौन से टाइम में करने के लिए बेस्ट टाइम है, कौन से जोन बेस्ट जोन है, कौन से टाइम में बेस्ट आपको साइट सीइंग होता है। तो मैं आज आप सबको 2 मिनट में सारे सफारी को लेकर जितने भी दिक्कत में दूर करने वाला हूँ। आप लोग बने रहो मेरी वीडियो में, बिना बक्सी करके शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोन के बारे में। एक्चुअली जोन कौन से बेस्ट जोन है, कितने बजे से शुरू होता है, कब खत्म होता है, कैसे होता है, मैं अभी बताने वाला हूँ। सो देखो, सबसे पहले हम जोन के बारे में बात करेंगे। सो जिम कॉर्बेट में जो सफारी है उसमें 8 जोन है, 8 जोन, ठीक है। सो उसमें से 1 जून में होता है कैंटर सफारी और 7 जून में होता है जिप सफारी। तो जिप सफारी क्या प्रोसेस है और कैंटर सफारी का क्या प्रोसेस है, मैं सारे बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको सबको बताया यहाँ पे 8 जून होता है। सो ये जो जिम कॉर्बेट प्रॉपर्टी है, ये जिम कॉर्बेट 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, समझ रहे हो आप, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो यहाँ पे 8 जून बहुत नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे हो सके तो और 8 इंक्लूड करके 16 कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। सो यहाँ पे जो जोन्स होता है जैसे कि ढिकाला, ढेला, गर्जिया, बिजरेनी, फाटो, सीतावनी, दुर्गा देवी, सो ये बहुत ही अच्छे जोन्स है। तो उसमें से मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा, अगर आप जिम कॉर्बेट सफारी करने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ढेला, ढिकाला, बिजरेनी और गर्जिया, 4 जोन। इसमें साइट सीइंग का चांसेस ज़्यादा होता है हमेशा और हमेशा, सुबह हो या शाम को। और हाँ, मैं अगर अभी बात करूँ तो यहाँ पे 2 टाइम सफारी होता है, एक मॉर्निंग स्लॉट, एक इवनिंग स्लॉट। सुबह का शुरू होता है 5:30 से लेकर 6:30 तक पिकअपिंग शुरू हो जाता है और आपको फिनिश होता है ये 10:30 तक फिनिश होता है। तो और शाम को होता है 1:30 से शुरू और ये ख़त्म होता है 5:30। तो सब जोन में सेम होता है, बट एक जोन है जिसमें सिर्फ ढिकाला है, जो उसमें सिर्फ होता है कैंटर सफारी। तो कैंटर सफारी में क्या प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ, कितना पैसा लगता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिप में कितना लगता है वो भी मैं आपको वीडियो लास्ट में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। सो कैंटर सफारी में क्या होता है, वो सुबह 6:30 से पिकअप होता है और 11:30 खत्म होता है, और 11:30 इवनिंग का शुरू होता है और 5:30 को जाकर खत्म होता है। ये थोड़ा लंबा डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो लेकिन मैं आपको हमेशा साजिश करूंगा आप लोग जीप सफारी करो, क्योंकि देखो जीप सफारी में क्या होता है, वो खुला सा होता है, आप हमेशा ड्राइवर को बोल के कहीं भी रुका सकते हो उसको, तो उसका आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन जो आपको कैंटर सफारी है उसमें और भी लोग होता है, उसमें ज़्यादा फॉरेनर्स होते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। आप सिर्फ एक ही साइड देख सकते हो जिस साइड में आपका सीट अवेलेबल हो, सो आप वो बुकिंग मत करना, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें ज़्यादा साइटिंग होता है, ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं हमेशा प्रीफर करूँगा आपको सुबह का बड़े रहता है, 5:30 से शुरू होता है एंड 10:30 ख़त्म होता है, और आफ्टरनून का होता है 1:30 से शुरू होता है, 5:30 को ख़त्म होता है, ठीक है। ये सिर्फ जून जिप का हो गया, और कैंटर का हो गया 6:30 से पिकअप होता है, 11:30 ख़त्म होता है, और 11:30 से शुरू होता है, 5:30 को जाके ख़त्म होता है। कैंटर सफारी का थोड़ा डिफरेंट, और कैंटर सफारी सिर्फ ढिकाला में होता है और सारे जितने भी 7 जोन है सब में जीप सफारी होता है। अभी प्राइस की बात करते हैं, प्राइस कैसा होता है। सो अगर आप सोलो बंदे आ रहे हो तो सोलो के लिए क्या सीन है, शेयरिंग तो बहुत मुश्किल ही मिलता है शेयरिंग। अगर आप सोलो हो तो मैं आपको प्रीफर करूँगा जीप नहीं, कैंटर सफारी करो। कैंटर में सोलो का जो बंदा सोलो है उसके लिए 1600 पे करना पड़ेगा, सोलो के लिए मस्त है। अगर आपको नहीं कि मुझे जिप करना है, फिर जिप के लिए आपको 6000 पे करना है पूरा फुल जिप के लिए। अगर आपका नसीब अच्छा आपके दोस्त वोस्त बन जाए फिर उसमें शेयरिंग करो, फिर तो बढ़िया रहेगा जिप के लिए। अगर आपको ऐसा नहीं मिले तो मेरे को तो लगता है मिलेगा नहीं, तो आपको हमेशा मैं प्रिफर करूँगा कैंटर करो, 1600 रुपये पे करो, सबके साथ मस्त इंजॉय करके टाइगर देख के वापस आ, ठीक है। और अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हो 6 लोग, तो मैं आपको प्रिफर करूँगा हमेशा जिप करो, क्योंकि एक बंदे के लिए नहीं 6 बंदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है एक जिप, जिसकी वजह से आपको 6000 पे करना पड़ेगा और एक जिप में 6 बंदे परफेक्ट है, इंक्लूड ड्राइवर एंड गाइड। अगर आपको ये वीडियो मेरी तरफ से पसंद आए तो फिर एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना, होपफुली मजा आएगा आपको वीडियो देख के। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर जिम कॉर्बेट सफारी, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। चलो तब तक ध्यान रखना, बाय बाय।